हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, ये हमारे द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट का एक मॉडल पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई एलेक्जेंडर ने एक लेख अजंता की गुफाओं के लिए लिखा, वह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रॉयल सोसाइटी लंदन से, या बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, या बॉम्बे लिटरेटरी सोसाइटी, या साहित्यिक विनिमय संघ में? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वह है, आप हमारे साथ आंसर जरूर दें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप कितना तैयारी कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रॉयल सोसाइटी सोसाइटी ऑफ लंदन से जेम्स ई एलेक्जेंडर का सन 1824 में एक लेख लिखा गया था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्नों को हमारे साथ जरूर सॉल्व करें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, चंद हुदड़ो कहाँ है? चंद हुदड़ो कहाँ है आप सभी को पता है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, या पाकिस्तान, या चीन में। तो चंद हुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल के मानव के औजार कैसे थे? बहुत बड़े थे, या बड़े बड़े, या मध्यम थे, या छोटे थे? माइक्रोलिथिक। तो ये औजार कैसे थे विद्यार्थियों? छोटे औजारों को बनाता था प्रागैतिहासिक काल का मानव, छोटे औजारों को बनाता था। अच्छे प्रश्न हैं, आप हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जतिन दास का संबंध किस विद्यालय से है? जतिन दास जो पंखों के चित्रकार हैं, उनका संबंध किस विद्यालय से है? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट, या सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट? तो विद्यार्थियों, जतिन दास का जो संबंध है वह है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार था जिसने मुगल स्कूल और दक्षिणी स्कूल दोनों स्कूलों में कार्य किया था? मतलब शैली की बात हो रही है विद्यार्थियों। ऑप्शन है मोहम्मद चांद, ऑप्शन है मोहम्मद अली, ऑप्शन है फारूक बेग, ऑप्शन है मीर हासिम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फारूक बेग। फारूक बेग एक ऐसा चित्रकार था जिसने मुगल और दक्षिणी दोनों शैलियों में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रावी नदी के तट पर किस सभ्यता का जन्म हुआ? रावी नदी के तट पर किस सभ्यता का जन्म हुआ? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या कालीबंगा। तो रावी नदी के तट पर कौन सा स्थल पाया जाता है? तो हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा का जो खोज हुआ है या जन्म हुआ है वह रावी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चौर पंचासिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है? चौर पंचासिका ग्रंथ का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ चित्र है? चंपावती और बिल्हड़, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज रासो। तो विद्यार्थियों, चौर पंचासिका में रानी चंपावती और कवि बिल्हड़ की प्रेम कथा चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जिनका नाम है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? आप सभी को पता है राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन है सेलखड़ी, मिट्टी, गोमेद पत्थर या कांसा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पुजारी की मूर्ति है वह सेलखड़ी में निर्मित है। ऐसे प्रश्न पाने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तुतन खानम का की मम्मी स्थित है कहाँ पर? तुर्की, रोम, मिस्र या जापान? तो विद्यार्थियों, तुतन खामन की जो मम्मी है वह मिस्र से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अन्नागार की माप क्या है? अन्नागार की माप क्या है? तो 45.71 × 15.23 मीटर इसकी अन्नागार की माप है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पेरिस का निर्णय किस चित्रकार का चित्र है? पेरिस का निर्णय रूबेंस, रेम्ब्रा, डेविड या कुर्बे? तो विद्यार्थियों, पेरिस का जो निर्णय है वह रूबेंस का चित्र है, रूबेंस ने बनाया है। अगला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किसने किया था? लेटी हुई लड़की का चित्र किसने बनाया था? कुर्बे, ड्यूरर, राफेल या रेम्ब्रा? तो लेटी हुई लड़की का जो चित्र है वो किसने बनाया? रेम्ब्रा ने बनाया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार द्वारा पुरुषार्थ प्रतीक नामक मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ है? यह पूछा जा रहा है कि पुरुषार्थ प्रतीक किस मूर्तिकार का मूर्ति है? मीरा मुखर्जी, हेमा उपाध्याय, उषा रानी हुजा या मृणाली मुखर्जी? तो विद्यार्थियों, उषा रानी हुजा का बहुत फेमस मूर्ति शिल्प है पुरुषार्थ प्रतीक। पुरुषार्थ प्रतीक जो है ये मूर्ति है और उषा रानी हुजा के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस चित्रकार का चित्रण विषय कलकत्ता का शहरी जीवन था? कलकत्ता का शहरी जीवन किसने बनाया है? गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य या जहांगीर सावावाला या अंजलि इला मेनन? तो यह चित्र बनाने वाले कौन है? विकास भट्टाचार्य, जो अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार हैं। तो आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों ही उपलब्ध हैं, हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप जरूर लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।